झारखंड के देवघर में हादसे को 28 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इस समय एक बड़ी खबर हमें मिल रही है, देवघर में रेस्क्यू ऑपरेशन अंधेरा होने की वजह से रोक दिया गया है। अभी भी 12 से 15 लोग फंसे हुए हैं। अब तक 40 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। प्रशासन का कहना है कि कल सुबह फिर इस ऑपरेशन को शुरू किया जाएगा। तब तक ट्रॉली में फंसे लोगों तक खाने का इंतजाम ड्रोन की मदद से किया जा रहा है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंधेरे के चलते रोकना पड़ा है। हालांकि सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी सभी जवान लगे हुए थे कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाए, अंधेरा होने से पहले सभी की जान बचा ली जाए। लेकिन क्योंकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन एक बहुत बड़ा चुनौती पूर्ण कार्य है, इसमें लोगों को बचाना इतना आसान नहीं है, हवा बहुत तेज चल रही है, तो ऐसे में अंधेरे को देखते हुए अब फिलहाल इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है। और ये जो तस्वीर है ये थोड़ी विचलित करने वाली है। और एक कोशिश की जा रही थी एक शख्स की जान बचाने की, लेकिन फिर क्या कुछ हुआ आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। भारत माता के। रात को खाली सब बिना भूखे रहा और खाया, पानी पिया 11:30 बजे आज को। दो पहाड़ियों की खाई के बीच रस्सी पर लटकी ट्रोलियों में यहाँ जिंदगी फंसी है, और इन्हीं रस्सियों के सहारे जिंदगी को बचाने की ऐसी कोशिश चल रही है। जय इंडियन आर्मी। ट्रॉली के पास लटका ये जवान यहाँ लोगों की जान बचाने के लिए आगे बढ़ रहा है। तस्वीरें झारखंड में देवघर की त्रिकूट पहाड़ियों की है। इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर मंदिर है, आश्रम है, और साथ ही हरे भरे घने जंगल इसे रोमांचक पर्यटन स्थल बनाते हैं। और इस नजारे को अपनी आंखों में उतारने के लिए करीब 2,500 फीट ऊंचे पर्वत से पार पाना जरूरी है। इसी सफर को आसान बनाने के लिए त्रिकूट की इन पहाड़ियों पर इस रोपवे का इंतजाम है, लेकिन यही इंतजाम कल फेल हो गया। रविवार को यहाँ कई पर्यटक त्रिकूट की इन पहाड़ियों पर पहुंचने के लिए रोपवे पर सवार हुए, लेकिन शाम करीब 4 बजे के बाद रोपवे पर हादसे का ब्रेक लग गया। रोलर टूटा और दो ट्रोलियां तो आपस में टकरा गई, 10 से ज्यादा ट्रोलियां हवा में फंस गई। दोनों ट्रोलियों के टकराने से पूरा रोपवे थम गया, जिंदगी अधर में लटक गई। झारखंड के देवघर में जब आसमान में अटकी सांस, सबसे पहले एबीपी न्यूज बना पीड़ितों की आवाज। झारखंड के देवघर में रोपवे पर ट्रॉलियों के टकराने से एक बड़ा हादसा हो गया, और इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है, 8 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। एबीपी न्यूज पर खबर के बाद जागा प्रशासन, लोगों को बचाने की शुरू हुई मुहिम। एबीपी न्यूज पर खबर के बाद जागे दूसरे चैनल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।